वेलकम स्टूडेंट ऑन एडोमेनिया। आज हम एक नॉवल करेंगे जिसका नाम है क्लियर लाइट ऑफ डे, जो कि लिखा गया था एक फेमस नॉवलिस्ट अनीता देसाई के द्वारा। इंडियन नॉवलिस्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 14 जून 1937 में मंसूरी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम डी वी मजूमदार था और इनकी मदर टोनी नेमे थी, जो कि एक जर्मन लेडीज थी। पिताजी बंगाली बोलते थे, मदर जर्मन लैंग्वेज यूज़ करती थी वो, और बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो हिंदी का था और इनकी स्कूलिंग इंग्लिश में हुई है। यानी इनका जो चाइल्डहुड है वहीं से अपब्रिंगिंग इनकी फोर लैंग्वेज में हुई थी। बहुत सारे नॉवल लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं, चिल्ड्रंस वर्क भी किया है इन्होंने, तो उन्हीं में से कुछ जान लेते हैं। नॉवल से क्राई, द पिकॉक न्यू दिल्ली, क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी, और शॉर्ट स्टोरी के अंदर हैं विलेज बाय द सी। चिल्ड्रंस बुक्स में इन्होंने किया है पिकॉक गार्डन, कैट ऑन ए हाउस बोट। मोस्टली इन्होंने 16 फिक्शनल वर्क किए हैं, उनमें से बहुत सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध हुए हैं। उन्हीं में से एक क्लियर लाइट ऑफ द डे है, इन कस्टडी है, ये काफ़ी फेमस नॉवल रहे हैं उस टाइम के। अभी इन्होंने अपनी जो क्रिएशन वर्क है वो इंग्लिश लैंग्वेज में चुना है, उसका कारण इन्होंने दो बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने ग्रामेटिकल नॉलेज है जो इंग्लिश लैंग्वेज का लिया है, और ये जिस स्कूल में पढ़ती थी क्वीन मैरी स्कूल में, जो कि रन किया जाता था ग्रे सिस्टर्स के द्वारा, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट था वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज का था। दैट इज़ वाई सी चोज इंग्लिश फॉर देयर वर्क्स। और दूसरा जो वो था, उन्होंने इंग्लिश के बारे में दो बातें बोली हैं कि वो इट आंसर ऑल माई नीड्स, इट इज़ ए रिच एंड फ्लेक्सीबल, सपल एंड अडेप्टेबल, वेरिड एंड वाइटल। दैट इज़ वाई सी चूज इंग्लिश एज हर वर्क्स। अब हम ये जो नॉवल करने जा रहे हैं ये चार पार्ट में डिवाइड है। अनटाइटल्ड है चारों के चारों पार्ट, कोई विशेष टाइटल नहीं दिया गया है। ये माना जाता है कि ये टी एस इलियट ने जो क्वार्टेस्ट लिखे थे वो भी चार थे, और उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने भी इसको नॉवल को चार पार्टों में डिवाइड किया है। चार पार्टों में से पहला जो पार्ट है वो 1980 जहां जब पब्लिश हुआ था उस प्रेजेंट डे के बारे में बताता है। सेकंड पार्ट डिस्क्राइब करता है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947 की समर को। थर्ड पार्ट उससे भी पहले का तकरीबन 1934 की बातें बताता है, जिसमें दास फैमिली होती है एक, उसके चिल्ड्रन का जो चाइल्डहुड है उनके बारे में। और फाइनली फोर्थ पार्ट में दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं और वो फ्यूचरिस्टिक परस्पेक्टिव से देखा जाता है कि आगे क्या होगा उनका। तो लेट्स स्टार्ट द नॉवल। इसके अंदर कुछ मेजर करेक्टर हैं। पहली तो पूरी स्टोरी है जो वो एक दास फैमिली के मेंबर्स के अराउंड घूमती है। उन्हीं में से दास फैमिली के चार बच्चे होते हैं, दो लड़की दो लड़के। पहली जो सबसे बड़ी लड़की होती है वो होती है बिमला, जिसको इन शॉर्ट नॉवल में बिम बोला गया है। दूसरा होता है राजा। तीसरे नंबर का जो बच्चा होता है वो तारा, एक लड़की है। और फोर्थ सबसे जो यंगेस्ट है वो बाबा है। और इनके एक रिलेटिव है मीरा मासी, जो भी मेजर रोल प्ले करती है। साथ ही इस नॉवल में कुछ माइनर करेक्टर हैं जो काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। फर्स्ट है हैदर अली, सेकेंड है बाकुल, थर्ड इज़ बेंजीर, एंड फोर्थ इज मोइना। इनके बारे में जैसे ही नॉवल करेंगे हम डिटेल में करेंगे। पहला पार्ट कर लेते हैं स्टार्ट। पहला जो पार्ट स्टार्ट होता है वो एक मीटिंग से स्टार्ट होता है, जिसमें तारा एंड बिम बात कर रही हैं। अब तारा जो कि एक मैरिड वुमेन हो चुकी है, उसने बाकुल से शादी कर ली थी। बाकुल एक IFS ऑफिसर है जो कि इंडिया में अभी प्रेजेंटली इंडिया आया है। और तारा का इंडिया आने के दो पर्पज बताए जा रहे हैं। फर्स्ट है उनके पति का जो यहाँ पोस्टिंग हो गई है तो उनके साथ आई है। सेकंड है कि राजा जो उसका बड़ा भाई था उसकी लड़की की शादी है और सी वॉज गोइंग टू अटेंड दैट मैरिज। इस तरफ हम देख लेते हैं बिमला एक असिस्टेंट प्रोफेसर है एक कॉलेज के अंदर, और वह अपने मतलब जो उसका फोर्थ ब्रदर था, फोर्थ मेंबर था फैमिली का, बाबा, जो कि ऑटिस्टिक है यानी हैंडीकैप है, वो उसके साथ रह रही है उसी घर में जहाँ पहले दास फैमिली रहती थी। अभी जैसे ही नॉवल स्टार्ट होता है ये दोनों बातें करती हैं अपने प्रेजेंट, अपने उसके चाइल्डहुड की। और सबसे ज़्यादा जो पहले पार्ट में बात होती हैं वो बिम और राजा के चाइल्डहुड की बात करती हैं कि कैसे बिम और राजा एक दूसरे को वेरी क्लोज थे,
वो एक दूसरे के साथ टाइम बिताना पसंद करते थे, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी थी। पहली सिमिलरिटी कि वो दोनों ही अपने पेरेंट्स को लाइक नहीं करते थे। उसका कारण था कि उनके पेरेंट्स उनको नेगलेक्ट करते थे, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं हुई है। उनके माता पिता को एक बैड हैबिट थी टू प्लेइंग कार्ड्स, एक गेम ताश पत्तों का खेलना, और वो सारा टाइम अपना उसी में यूटिलाइज करते थे, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए उनके प्रति उनमें रिसेंटमेंट थी। सेकंड, न केवल इस डिसीजन में बल्कि उनको लिटरेचर में और म्यूजिक में भी उनको कॉमन इंटरेस्ट था। अभी जैसे मैंने बताया कि उनके पेरेंट्स को बैड हैबिट्स थी, उसी नॉवल में कुछ बातें लिखी गई हैं कि बिम अपने आप को कहती है कि मैं सीजर से लेकर उन सारे कार्ड्स को एक दिन ख़त्म कर दूंगी, कोई नहीं खेलेगा। और उसी टाइम पर राजा भी फैंसी करता है कि मैं भी लॉयन बन के एकदम ऊपर उस जहाँ पे टेबल पे वो ताश खेले जाते हैं वहाँ छलांग लगा के उन सभी पत्तों को ख़त्म कर दूंगा। यानी ये बेसिकली वो दिखा रहा है कि वो अपने पेरेंट्स की जो बैड हैबिट है उसके काफ़ी खिलाफ थे। अभी राजा जो था, वो जो लैंड ओनर था उनका, जिसके घर में वो किराए पे रहते थे, उसी की डॉटर से शादी कर लिए हैं। उसका नाम है बेंजीर। अब राजा, अभी जो तारा बोलती है कि आपको मेरे साथ वहाँ चलना होगा बिम को, लेकिन बिम मना कर देती है, क्योंकि बिम थोड़ी नाराज है राजा से, क्योंकि राजा ने आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, जो कि लैंड ओनर था, उसकी डेथ के बाद एक लेटर लिखा था टू बिम, और बिम को वो लेटर काफ़ी वाउंडेड हुआ, मतलब काफ़ी दुखी हुई वो। और वो तारा को बताती है कि राजा ने एक लेटर लिखा जिसमें उसने मेंशन किया है कि अभी सारी प्रॉपर्टी हमारे ऊपर आ गई है, और मैं, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे हमेशा मदद करूंगा, मैं अब और रेंट बढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, आप जितनी मर्जी जितना टाइम चाहे इस घर में रह सकते हैं, मैं प्रॉफिट नहीं देखूंगा, मैं जैसा वादा, फ्रेंडशिप का वादा हैदर अली साहब ने किया था, वैसा ही मैं इन फ्यूचर तक निभाऊंगा। ऐसा लेटर पाने के बाद बिम काफ़ी क्रोधित हो जाती है, और वो महसूस करती है कि कैसे एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर के ऊपर प्रॉफिट को छोड़ के एक सेक्रीफाइस की भावना को बनाए हुए हैं। और वो तारा से पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझे बोलोगी कि मुझे उसके घर पे शादी में जाना चाहिए। बस वो चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो यहीं ख़त्म हो जाता है, और वो अपने यूथ के बारे में बात करती हैं, यानी पार्टीशन ऑफ 1947 वाले में। अब इस पार्ट में थोड़ा क्रिटिकली देख लेते हैं क्या बात थी। जो तारा का जो नेचर है वो एस्केपिज्म बताया गया है, यानी उसका बचपन से ही एक सपना था कि मदर बनना, और वो जल्दी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के उसने बाकुल से शादी कर ली। जबकि बिम है एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल करेक्टर दिखाया गया है, वो अपने जो फोर्थ ब्रदर है उसका, जो बाबा यंगेस्ट ब्रदर है, जो वो हैंडीकैप है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठाई हुई है, और उसने उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अभी तक शादी नहीं की है। सेकंड, इन्होंने एक ड्रेस का वर्णन किया है, जो तारा है वो एलिजेंट पेल ब्लू गाउन पहने हुई है, जबकि जो बिम है उसने सीटलेस हैंडमेड गारमेंट्स पहना है, कॉटन का बना हुआ, जो कि दिखाता है दोनों अलग अलग नोशंस को। एक तरफ इंडियन वुमेनहुड, जो एक लेडीज है जो मैरिड की गई है, मैरिड हो चुकी है, और उसके पास कुछ पर्सनल राइट नहीं है अपने, यानी उसके पति का यहाँ इंडिया में आना हो गया तो वो आ गई, अदरवाइज वो उससे अलग कुछ नहीं कर सकती। इस पार्ट में मैरिज को एक एस्केप रूट बताया गया है, क्योंकि जो तारा है वो शादी करके वहाँ से छोड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के चली गई है, जबकि बिम ने ऐसा नहीं किया, उसने एस्केप रूट नहीं अपनाया। अभी पार्ट टू स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट टू स्टार्ट होता है एक पार्टीशन एंड वायलेंस से। आपको जानते हैं कि 1947 में काफ़ी दंगे हुए थे, कुछ मुस्लिम इधर से पाकिस्तान जा रहे थे, और कुछ जो हिंदू या अदर कम्युनिटी के थे, सिख थे, वो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो उनके बीच में काफ़ी ब्लड बाथ हुआ था, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। तो ऐसा थोड़ा पार्टीशन करते ही वो स्टार्ट दोबारा से, वो जल्दी से दास फैमिली पे ले जाते हैं। अभी दास फैमिली का जो ये पार्टीशन का लिया गया, ये काफ़ी कटाक्ष है। अनिता देसाई जी ने एक तरफ तो पार्टीशन, इंडिया का पार्टीशन दिखाया है, दूसरी तरफ तो दिखाया है पार्टीशन ऑफ दास फैमिली, इक्विवेलेंट किया है। जैसे दास फैमिली में राजा भाग गया, तारा भाग गई,
तो वैसे ही मतलब उनकी फैमिली टूट गई, तो जैसे नेशन टूटा है वो इक्विवेलेंट ही किया है। अभी इसमें इस पार्ट में राजा के बारे में कुछ ज़्यादा बातें बताई गई हैं कि उसको टीबी हो गई थी, उस टीबी के कारण क्या था कि जो हैदर अली साहब थे जिनसे वो काफ़ी फॉन्ड करता था, काफ़ी इंस्पायर्ड था, उनको नेबरहुड छोड़ना पड़ गया था क्योंकि मुस्लिम इधर से उधर शिफ्ट हो रहे थे, और जैसे वो उनका मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, तो जैसे ही अली नेबरहुड छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने राजा को बोला कि आप मेरी लाइब्रेरी या बुक्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उन दोनों को उर्दू पोइट्री पसंद थी और राजा भी एक उर्दू पोइट बनना चाहता था। अब राजा उर्दू पोइट बनना चाहता था तो उसने सोचा कि मैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर लूँगा और वहाँ से मैं क्या करूँगा, उर्दू का एक अच्छा नॉलेज प्राप्त करूँगा। लेकिन उसके पिताजी ने ये करने से मना कर दिया था। उसका कारण था क्योंकि वो डरे हुए थे कि जामिया मिलिया में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है और पार्टीशन हुआ है, वो जान का खतरा हो सकता है। उन्होंने उस राजा को बोला कि आप हिंदू कॉलेज से ही पढ़ें और इंग्लिश लिटरेचर लें। उसके पिताजी ने भी उसी कॉलेज से स्टडी की थी, लेकिन राजा एडमिशन तो ले लेता है, वहाँ पे पढ़ने भी जाता है और पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन लास्ट में वो देखता है कि जो नफरत थी टू द मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कॉलेज के अंदर, वो उससे काफ़ी दुखी हो जाता है और विदड्रॉ कर लेता है अपने आप को, यानी वो कॉलेज को छोड़ देता है और हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है टू द हैदर अली हाउस, वो हैदर अली के घर में चला जाता है और वहीं पे वो उनकी लड़की होती है बेंजीर, उससे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। अब इसी उसमें इन्होंने एक बात बोली है, जो बचपन का सीन दिखाया गया है इनके पेरेंट्स का, वो एक 20 साल में इन्हें कमेंट किया है कि 20 साल में पहली बार उसकी मदर ताश खेलने नहीं गई उस इवनिंग में उस क्लब में, और जैसे ही उसके पिताजी वापस आए वो हार कर आए तो इस सदमे में उनको कोमा आ गया और वो इस चल बसी। अभी एक और कमेंट उन्होंने किया, बिम बोलती है कि यदि माँ को होश भी आ जाता कुछ पल के लिए तो पहले ही वो बस सबसे पहले एक ही बात पूछती कि उस जो ताश जो गेम है उसमें हारने का कारण क्या था। अभी इसमें आपको थोड़ा बहुत मीरा के बारे में भी बताया गया सेकंड पार्ट में कि मीरा एडिक्टेड टू ब्रांडी, वो लिकर की एडिक्टेड थी, दारू पीती थी। और इस पार्ट में सबसे मेन दो बात थी, पहला तो एक काउ ड्राउनिंग सीन होता है, गायें डूब जाती है, दूसरा होता है राजा का डिसीजन टू सेटल इन द हैदराबाद लिविंग हिज ग्रेजुएशन। तो ये सब छोड़, ये दोनों जो सीन हैं काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं, आप आगे देखोगे। अब क्रिटिकली कमेंट जान लेते हैं, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है वही पार्टीशन ऑफ दास फैमिली इक्विवेलेंट किया गया है। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं जो कि 1947 से भी पहले का है, जिसमें बाबा जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड होता है उस फैमिली में का, दास फैमिली का, उसके बर्थ के टाइम की बात हो रही है। जैसे उसका जन्म हुआ उसके पेरेंट्स ये चौथी संतान थी तो वो इतने ज़्यादा खुश नहीं थे और वो अपनी मतलब पहले 3 संतानों पे भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब बाबा जो पैदा हुआ वो ऑटिस्टिक चाइल्ड हुआ, यानी वो अपने ही में लीन रहता था, उसकी लर्निंग पावर बहुत कम थी, वो एक प्रकार से हैंडीकैप बच्चा था। तो उसकी मदर पहले जब जो हेल्दी बच्चे थे उन्हीं की देखभाल नहीं करती थी कर पा रही थी, तो इसकी तो वो क्या कर पा रही थी। तो उन्होंने एक आया को हायर किया कि वो उसके बच्चों का देखभाल करे, लेकिन आया भी जल्द ही थोड़े ही समय में उनको छोड़ के चली गई। तब इन्होंने एक दिमाग लगाया, इनके रिलेटिव में एक मीरा आंट थी इन बच्चों की, उन्होंने वो एक विडो थी, उन्होंने उसको दिल्ली बुला लिया और बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए उसको घर पे रख लिया। अब मीरा का जो बैकग्राउंड है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मीरा यहाँ आ जाती है और वो सरोगेट मदर की तरह सरोगेट मदर होती है, यानी जिसके पेट से वो बच्चा नहीं होता लेकिन वो पालन पोषण करती है। उन चारों बच्चों से बहुत अच्छी ट्यूनिंग मिल जाती है, उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। बाबा को वो बड़े प्यार से बड़े स्नेह से पालती है और वो राजा और बिम मतलब हर बच्चे से उसकी ट्यूनिंग अच्छी होती है। इसमें एक पार्ट में बताया गया है कि राजा और बिम दोनों को टाइफाइड हो गया था, कैसे उस टाइम पे उन्होंने देखभाल की और उनको वहाँ से बाहर निकाला। और इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत बताया गया है बिम के बचपन के बारे में, कैसे कि वो थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी की थी, स्कूल में जाती थी तो सभी उसकी प्रशंसा करते थे,
तारा को बोलते थे कि उसको अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। और इसमें दो इवेंट बताई गई हैं। पहली इवेंट है लोधी गार्डन की, जिसमें तारा का एस्केपिंग नेचर दिखाया गया है। वहाँ एक मधुमक्खी काटने वाली होती है तो तारा बिम को वहाँ से छोड़ के भाग जाती है। दूसरी जो इंसिडेंट बताई गई है कि बिम ने तारा के जो बाल हैं वो काट दिए थे अगेंस्ट हर विल, यानी उसकी इच्छा भी नहीं थी। इससे उसकी लीडरशिप की क्वालिटी प्रदर्शित होती है। और इसी पार्ट में जो एंड हो जाता है, जिसमें बिम एक डिक्लेरेशन करती है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ हर यंगर ब्रदर, उसके लिए, क्योंकि मीरा ऑलरेडी मर चुकी थी। तारा शादी करने के लिए बाकुल के साथ जा चुकी थी और राजा एस्केप हो चुका था, एस्केप्ड हो चुका था, वो हैदराबाद सेटल हो गया था। अब सारी जिम्मेवारी बिम पे आ गई थी, इसीलिए उसने डिसीजन लिया कि वो कभी शादी नहीं करेगी। इस पार्ट में क्रिटिकली कमेंट देख लेते हैं। जो मीरा है वो पहले उस स्टार्टिंग में बस थर्ड, मैंने बोला कि थर्ड पर्सन नैरेटिव है इसमें, तो मीरा के बारे में सिर्फ बताया गया है, वो एक्चुअली कोई करेक्टर है नहीं इसमें। दूसरा है वो सरोगेट मदर की तरह काम कर रही थी। राजा और बिम्स की उसने मदद करी जब उनको टाइफाइड हो रहा था। और मीरा के बारे में 3-4 बात ऐसी बताई गई है कि वो 12 ईयर की थी जब उसकी शादी कर दी गई थी, और उसका जो पति है वो लंदन में इंग्लैंड में कोल्ड से मर गया था, जो कि वो विडो हो चुकी थी उस टाइम पे, और वो विर्जिन थी, यानी उन्होंने कुछ भी समय नहीं बिताया था अपना शादी के बाद। और उसको ब्लेम किया गया था, डेथ ऑफ हर हस्बैंड उसके मृत्यु का कारण उसी को माना गया था। उसके परिवार वाले बहुत दुखी करते थे उसको, और वो अपनी एज से बहुत बड़ी दिखने लग गई थी। उसके ना केवल बाल वाइट हो रहे थे बल्कि वो बाल्ड भी हो रही थी, यानी उसके बाल भी उड़ रहे थे। लेकिन यहाँ देसाई जी ने एक कमेंट किया है कि ये अच्छा हुआ यदि उसकी सिचुएशन इतनी बुरी हो गई, अदरवाइज उसके जो इन लॉज फैमिली के मेंबर थे, ब्रदर इन लॉज थे, वो उसको प्रताड़ित करते, सेक्सुअली हरासमेंट भी कर सकते थे, लेकिन अब वो थोड़ी बदसूरत हो गई थी इसीलिए वो अब उनसे सेफ थी। और ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है मीरा का अनिता देसाई जी ने, ये एनफ है ये बताने के लिए कि वहाँ की उस टाइम पे जो कंडीशन है वुमेन्स की वो कितनी बुरी थी। यानी उनको पहले तो ब्लेम किया जाता था यदि उनके हस्बैंड किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती थी, सेकंड उनकी डेथ के बाद उनको प्रताड़ित किया जाता, यदि वो थोड़े भी चार्म होती तो उनको सेक्सुअली हरेसमेंट भी किया जाता था, अदरवाइज उनको इतना टॉर्चर किया जाता था कि उनको अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा उम्र की उनका जो गेटअप हो जाता था। अभी जो इसमें कमेंट किया गया है कि मीरा को न तो कभी वाइफ का दर्जा मिला और न ही कभी मदर का, ये बात दास फैमिली के बच्चों ने भी बोली है। और जो बिम है उन्होंने कमेंट किया था कि उनके अंदर कोई लेडीज के गुण नहीं है। इसकी बहुत बड़ा नॉवल होता है, छोटी छोटी बातें बता देता हूँ मैं आपको। इसमें बताया गया है कि जैसे एक लेडीज शीशे के सामने ज़्यादा टाइम लगाती है अपने आप को सजोने सवारने में, लेकिन मीरा ऐसा नहीं करती थी, वो फटाक से तैयार हो जाती थी, मानो उसको कोई आग बुझानी हो यानी कोई इमरजेंसी वर्क करना हो। सेकंड, वो कभी भी मतलब अपने पसंद के अच्छे कपड़े पहनना पसंद नहीं करती थी, सेम ड्रेस में वो रहती थी। थर्ड, वो बोला है कि जैसे एक लेडीज होती है बड़ी, वो बच्चों को पीटती है, कमांड करती है, चेस्टाइज करती है, ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं था। वो बच्चों बल्कि बच्चों से इतना प्यार करती थी, उनकी हर बातें मानने को तैयार होती थी, इसीलिए तो बिम ने उसको बोला कि उसके अंदर लेडी के एट्रीब्यूट नहीं थे। अब जो एक बहुत बड़ा कमेंट है इसमें किया गया है, बिम ने बोला कि तारा को, अब प्रेजेंट की बात चले दो, कि मैं तुम्हारे साथ अब दोबारा टाइम, तुम्हारी बेटियों के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, तो तारा बोलती है कि हाँ आप तुम टाइम बिता सकती हो, क्यों जितना इम्प्रेस तुम उनको करना चाहती हो कर सकती हो, क्योंकि हमारे परिवार में तो जो आंटी होती हैं उनका ये विशेष अधिकार होता है। यानी इन्होंने कमेंट किया कि जैसे इनके पेरेंट्स नेग्लिजेंट थे टू देयर चिल्ड्रंस, वैसे ही वो हैं, और उन पे जैसे मीरा मासी का इम्पैक्ट ज़्यादा था, वैसे ही बिम का भी हो सकता है ऑन द डॉटर ऑफ तारा। अब पार्ट 4 स्टार्ट होता है, इसमें स्टॉर्म का सीन होता है, वही स्टॉर्म जैसे जो दास फैमिली में आया हुआ है इक्विवेलेंट, यानी डिस्टरबेंस दास फैमिली के अंदर भी इतना ही आ जाता है। जो तारा है वो अपनी डॉटर्स को लेटर लिख रही होती है, बिम अपने कॉलेज के वर्क में बिजी होती है, और इस चैप्टर में जो राजा है उसकी मैरिड लाइफ के बारे में थोड़ा बताया गया है,
उसका एक लड़का और चार लड़कियां होती हैं, लड़के का नाम एजाज होता है और चार लड़कियों में से एक लड़की मोइना जिसकी अभी शादी होने जा रही थी। और इसके अंदर थोड़ा बिम का थोड़ा नेगेटिव रोल दिखाया गया है, सेंस ऑफ रिजेक्शन, यानी जब इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जहाँ वो काम कर रहे होते हैं उस फिल्म में, कोई मिस्टर शर्मा उनको लेटर भेजता है इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए और उसमें यही डिसीजन करना था कि इन फ्यूचर उनकी फिल्म का क्या होगा। तो बिम ने बहुत जल्दी, मतलब जल्दी में बोला कि हम सारे फिल्म जितने भी शेयर हम भेज देंगे। तो तारा ने उसको मना किया कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको कंसल्ट करना चाहिए हमसे, हम भी दास फैमिली के वो हैं, चिल्ड्रन हैं। तो उस टाइम पे बिम बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उनको बोलती है यदि तुम दास फैमिली के फिल्म को चाहते हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों नहीं चाहते, तुम तो भाग गई, तुमने तो शादी कर ली। दूसरी तरफ राजा है वो भाग के हैदराबाद शिफ्ट हो गया। अब जो हैंडीकैप बच्चा था बाबा, उसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा, लेकिन तुमने फिल्म में कंसल्ट की बात कर ली। अब इससे तारा चुप हो जाती है और वो इस गुस्से में बिम अपना गुस्सा एक्सप्रेस करती है अगेंस्ट बाबा, जो बाबा को बहुत दुखी महसूस होता है। वह अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है, लॉक कर लेता है। और जैसे ही मतलब शाम ढलती है, बिम का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो अपने पे काफ़ी रिग्रेट फील करती है और वो अपने भाई को मनाने के लिए झांकी में से बोलती है उसको, लेकिन बाबा कोई जवाब नहीं देता। वो मजाक में उससे ये भी पूछ लेती है कि आर यू विलिंग टू गो एंड लाइव विद द राजा इन हैदराबाद, क्या तुम मुझे छोड़ के राजा के साथ रहना चाहते हो हैदराबाद में। इस पे वो जो बाबा है वो काफ़ी रोने लग जाता है, बिकॉज बहुत लंबे समय से ये दोनों रह रहे हैं, इनके अंदर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और वो माफ़ी मांगती है और उस टाइम पे वो बिम रियलाइज करती है कि उसने एक इनोसेंट एंड एक डिफेंसलेस जो इनोसेंट सोल है उसको परेशान किया है और वो अपनी इनएडिक्युएसी को उसका कारण मानती है, यानी असक्षमता मानती है। और इसी वे से आपका ये नॉवल समाप्त हो जाता है। इसमें क्रिटिकल कमेंट देख लेते हैं, यानी बाबा को एक हार्मलेस गार्डन स्पाइडर बोला है। जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे होगे और उसमें आप यदि इस इमेजरी वर्ड का यूज़ करोगे तो आपको प्लस पॉइंट रहेगा। एक हैदर अली का डिस्क्रिप्शन दिया गया था इन्होंने कि कैसे वो मतलब घोड़े पे चढ़ के आता था, उसके पीछे कुत्ते भौंक रहे होते थे और उसका जो पियन है वो आगे आगे भाग रहा होता था, जो चिल्लाता रहता था हटो हटो। और अली का जो करेक्टर है वो अरिस्टोक्रेटिक एंड डिपेंडेंट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ ओल्ड दिल्ली, जो प्री पार्टीशन से पहले का दिखाया गया है कैसे वो रहते थे, लेकिन जैसे ही मतलब पार्टीशन हो जाता है उनको अपना ये जो स्थान है वो छोड़ के जाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और इसी उसमें आपका जो ये नॉवल है ख़त्म हो जाता है। इस नॉवल के अंदर आपको एक कंप्लीट फैमिली के मेंबर्स की सिचुएशन कंडीशन, एक तरफ बिम और बाबा, दूसरी तरफ राजा और तीसरी और तारा के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा नॉवल है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। जय हिंद।